Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. राजमान हो जाइए धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए ये आप दिल से करते हो कोई कहता है आपको अपने दिल से करते हो आई लव यू ऑल शुक्रिया अर्चना जी यू आर लुकिंग सो हैंडसम सो ब्यूटीफुल आई मीन बोथ कॉम्प्लीमेंट दे वो भी ठीक तरीके से अब बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं थैंक यू कसम से और जब स्पॉन्सर्ड कपड़े और गहने पहनती इतनी प्यारी लगती हैं आप आप तो जानती हैं दुनिया में इंसान कुछ ले ना ले बदला जरूर लेता है हाँ है ना और चोट खाया हुआ आदमी उससे और डर लगता रहता है कि वो कहीं आ ना जाए आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची हो तो वो कहीं आ ना जाए सुना है आने वाला है वो आप तो ना अपने बेडरूम में भी सेफ नहीं हो पता है क्यों क्योंकि जिसने बदला लेना है वो उधर ही सोता है आपके साथ आपके पति और कौन और मतलब तू बदले की बात कर रहा था फिर कुर्सी की तरफ देख रहा था मैंने सोचा नाम से कोई एक आदमी थोड़ी है जिसने आपसे बदला लेना है बॉलीवुड देख लो आप लगभग हर तीसरी फिल्म बदला लेने पे होती है नाम भी कैसे होते हैं मैं इंतकाम लूंगा जीने नहीं दूंगा खून भरी मांग जलाकर राख कर दूंगा कसम पैदा करने वाले की अच्छा मिथुन दा को देख के लगता था कभी कभी कि ये फिल्मों में आए मां बहनों का बदला लेने इतने बदले देते थे पहले तो पोस्टर का बड़ा ट्रेंड होता था ना पोस्टर देख के समझ में आ जाता था कि फिल्म में क्या होगा अगर पोस्टर में हीरो के साथ दो लड़कियां हैं तो समझ जाते थे कि एक जो है हीरोइन है और दूसरी हीरो की बहन है साथ में रंजीत साहब की फोटो लगी होती थी हाँ। तो लोग समझ जाते थे कि जो हीरो की बहन है इसके साथ रंजीत ने कुछ गलत किया होगा जिसका बदला हीरो लेगा और कई लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि रंजीत ने किया क्या होगा है ना फिल्म में बच्चा पैदा होता था तो माँ ये नहीं बोलती थी मेरा बेटा डॉक्टर की डिग्री लेगा आईएएस की डिग्री लेगा वही बोलती थी मेरा बेटा अपने बाप का बदला लेगा और कई बार बदला इतना इंपॉर्टेंट होता था कि कई बार बदला लेने के लिए हीरो को दूसरा जन्म लेना पड़ता था क्योंकि फर्स्ट हाफ में माँ बोल चुकी होती थी मेरे कर्मार्जुन आएंगे उनको आना पड़ता था फिर और कई बार तो हीरो के पास इतने बदले इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसको बोलना पड़ता है कि बाप का भाई का दादा का सबका बदला लेगा रे तेरा फैसला और आज मैं बदले की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गैंग वॉर पे जितनी भी फिल्में बनी है ज्यादातर बदले पे बनी आप सब लोग जानते हैं और एक बड़ी कमाल की फिल्म बनी है गैंग्स ऑफ वसेपुर इस फिल्म को आज 10 साल हो गए और आज इस फिल्म की यादें ताजा करने के लिए आज हमारे बीच फिल्म के सारे किरदार जो है मौजूद हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको मंच पे बुलाते हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर अनुराग भाई ऐसी फिल्म है दोनों पार्ट्स में से कोई कहीं से भी लगा के देख लो आपको मजा आना शुरू हो जाता है सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको वैसे एक बात है देखो जौहरी जौहरी अच्छा हो ना तो सारे हीरे इकट्ठे करता है अच्छे अच्छे अनुराग भाई का ये खासियत है कि सारे गुणी लोग इकट्ठे किए मैंने जितने भी लोग इकट्ठे किए मेरे से ज्यादा ज्यादा बैंड बन पाया इनमें से भी सारे भाई रोज अवेलेबल नहीं रहते कोई जागरण पकड़ लेता है कोई भजन संध्या पे चला जाता है ये दिनेश है ना अपना गिटार वाला ये परसों नहीं आया मैं कहा तू कहाँ गया था कहता मैं मुंडन पे मैं कहा उस पे गिटार का क्या काम कहता नहीं वहां तो मैं कैंची लेके गया था एक तो ना आप सबको गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई अनुराग भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म में जो किरदार थे कोई भी ऐसा किरदार नहीं था कोई बैंक में जिसकी जॉब हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में सारे चोर उचक्के बदमाश थे तो ये फिल्म लिखने के बाद आपको इन सब का आइडिया आया कि आपको विश्वास था कि मेरे ही दोस्त हैं और दोस्तों को देख के आपने फिल्म लिखी गई ऐसा तो नहीं है नहीं नहीं फिल्म तो लिखी गई वो जीशान की वजह से डेफिनेट की वजह से जी उसको खुद को लॉन्च करना था तो उसने एक स्क्रिप्ट ऐसे बढ़ा दी अच्छा कैरेक्टर के नाम तो लिखते लिखते शूट करते करता है जैसे सरदार खान का नाम कुछ और था इनका एक ही डिमांड था इसका नाम सरदार हो सकता है क्या अच्छा ऐसे क्यों मनोज भाई नहीं कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार इसका नाम रखा था जिशान खान मैंने कहा ये कहाँ से जिशान खान लगता है इसका नाम कुछ ऐसा देसी टाइप का होना चाहिए सरदार खान
beautiful. Yes, it worked so well. नहीं पर मनोज भाई आप देखो आप वैसे कितने प्यारे भोले भाले इंसान हैं ऐसा लगता है कि अगर इनकी कोई जमीन भी हत्या ले ना तो ये ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे ये मतलब ऐसे इतने प्यारे लगते हैं पर जब ये जीप पे बैठ के जाते हैं ना कि हजरात 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 उफ क्या बात है भाई डरा के रख दिया था वाह क्या बात है वो तो देखिए ये एक्टर ऐसे हैं कि कोई भी रोल जो है बड़े ही सहजता से कर लेते हैं वो तो इनकी जिंदगी में अनुराग कश्यप आ गए राम गोपाल वर्मा आ गए अगर इनकी जिंदगी में पहले करण जौहर आ गए होते तो इनके हाथ में मंडलियन होता या यू नो गिटार होती अब अनुराग भाई साहब आ गए इन्होंने बड़ा वाला सुआ दे दिया जाओ पहलवान के छेद कर दो और ये लगे हैं छेद और इतना नेचुरल तरीके से अनुराग भाई आपने शूट किया हमने तो फिल्में देखी है ना जब हम पैदा हुए 80s 90s में कि उड़ के मिथुनदा चले जाए और ये वो और आपने जो आराम से इत्मीनान से कत्ल किया साले कहाँ जा रहा है मजा आ गया था भाई क्या बात है यार अच्छा मनोज भाई तो फिल्मों में ओटीटी पे छाए हैं पंकज भाई भी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोल के देखो हर दूसरी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं Absolutely. और कभी कभी तो पहली वाली में दो बार नजर आ जाते हैं इनका मतलब ऐसा जलवा है पंकज भाई आपको एक्टिंग की भूख ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा हो गया तो मेरे को अर्चना जी बता रही थी मठ में आपने एक और ले लिया बंगलो हाँ मैं वही कहना चाह रहा था अभी अभी उसने बोला कि वहाँ आके मटन पार्टी करनी है मेरे से दो बंगले छोड़कर अब इन्होंने लिया सारा हिसाब रखती है भाई एक और बंगलो ले लिया अब तो उसको चाहे तो बुलाना ही पड़ेगा बोल रही थी मेरे को नहीं नहीं वो एक्टिंग की भूख ज्यादा है ये सब घर गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली खत्म बात भाई अच्छा हुमा का भी मानना पड़ेगा अनुराग भाई के साथ इन्होंने डेब्यू किया और हमारे शो में आके फेमस हो गई आई मीन पहली फिल्म से यार मतलब मैं वेट ही कर रही थी अभी बोलेगा और जब भी ये आती है ना मेरे शो में अनुराग भाई मेरे को हमेशा चुप करा देती हैं और अगर अपनी एक दो सहेलियों के साथ आए फिर तो ये बोलने नहीं देती अम्मा मेरे को ये जानना जब आपके साथ पहली फिल्म कर रही तब भी इतना बोलती थी हुमा तब इतना नहीं बोलती थी मैं अभी भी कहाँ बोल रही हूँ जब से आई हूँ नहीं तब नहीं बोलती थी इसे बदनाम किया हुआ है मुझे तब नहीं इतना बोलती थी तब ये इसे इतना ही पूछती थी मेरा कैरेक्टर क्या है और हमने सुना भी है कि आपने हुमा आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी स्क्रिप्ट थी जो बाकी सबने पढ़ी थी मुझे मना कर दिया गया था कि तुम मत पढ़ना क्योंकि क्योंकि स्क्रिप्ट में मेरा रोल था ही नहीं तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई मैंने चोरी करके किसी एडी को पटाके पढ़ ली तो उन्होंने मेरा सर को मत बताना मैंने कहा नहीं बताऊंगी तो उसमें लिखा था फैजल एंड मौसीना गो टू द मार्केट Why they go? What they do? कुछ नहीं लिखा था तो मैंने बोला सर इसमें मैं हूँ ना कहते तू भरोसा रख है एंड देन आई थिंक हिज सिस्टर वाज अनुभूति हु वाज असिस्टिंग हिम हु इज नाउ आल्सो डायरेक्टर विद डॉक्टर जी तो उसने बोला अब तो तुम्हें पिक्चर करनी पड़ेगी अब तो कपड़े सिल गए इतना प्रेशर डाला दिया मेरे ऊपर कि अब तो पिक्चर करनी ही पड़ेगी अच्छा जब फिल्म खत्म होती तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी इसका तीसरा पार्ट ही बनेगा क्योंकि लास्ट में फैजल खान मर जाता है ना डेफिनेट बच जाता है उधर अपने पीयूष भाई और हुमा बच जाते हैं मुंबई आ जाते हैं तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा तीसरा पार्ट भी आने वाला है अच्छा भी 11 साल का अच्छा उसको 21 का होने तो फिर बदला लेगा वो हरा काफी है अच्छा हुमा ने तो आपके साथ पूरी फिल्म की है ना मैं कई एक ऐसे एक्ट्रेस को जानता हूँ मैं नाम नहीं लूंगा वो एक सीन भी किया हो ना उनके साथ आके बाहर आके वो ना स्टाइल बड़ा मारते यू नो व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनुराग ही टॉट मी वन थिंग डोंट गो विद दैट डोंट ग्रो विद दे मैंने भी सीख लिया कि मैं कहा बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लो तो आपकी भी ना वो तो मैं भी जब वापस आया ना बुसान से मैंने भी बोलना शुरू कर दिया आई वाज इन बुसान अनुराग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही प्रेज्ड माय मूवी ज़िगैटो अरे वो सच्ची वो कमाल की फिल्म है वो ये भाई फ्रंट कैमरा में देख के अगर आप बोलते कमाल की आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल शर्मा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अनुराग भाई ने सच में देखी है मैं सोचा कपिल शर्मा पिक्चर में तो कॉमेडी होगी कहीं हंसी नहीं आई तो आपको नंदिता पे भरोसा नहीं था कहीं हंसी नहीं आई वो पिक्चर रुला देती है आपको थैंक यू अनुराग भाई आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है लव यू भाई आइए आप विराजमान हो जाइए जोरदार तालियां हो रहे हैं हमारे मेहमानों के लिए अच्छा अनुराग भाई मनोज सर और पीयूष भाई की तीनों की जोड़ी बहुत पुरानी है इतना लंबा साथ तभी रहता है जब आपके विचार मिलते हो या ब्रांड मिलता हो भाई कब से है पीयूष भाई कितने साल से आप सब एक दूसरे को जानते हैं मैं जानता हूँ कब से मनोज को
मनोज से तो मेरी बहुत पुरानी आ रही है मेरे, मैं हम लोग थिएटर किया करते दिल्ली में एक्ट वन में 86 से हम जानते थे, 89 से हमने काम करना शुरू किया। 89 में तब ये वाले माइक नहीं थे तो आपको इसकी आदत हो गई, ये वाला भी चल रहा है आपका। ये था तो तब से मैं जानता हूँ। अनुराग जो है उस वक्त हंसार कॉलेज पढ़ता था तो ये हमारे प्लेस देखने आया करता था, मैं इनके नाटक देखने जाता था। हाँ, अच्छा, ही वाज एन ऑडियंस। वो तब से वैसा वाला परिचय है कि अनुराग देख रहा हम परफॉर्मेंस कर रहे, तो उसने बड़े खुले भाव से रिसीव किया कि आ जाओ पीयूष भाई। तो मैंने उसके पहले आपके फोन आए थे फिल्म देख के। हाँ, मैंने इसकी शूल देखी, शूल देखने के बाद फोन किया था इन्होंने। हाँ, शूल देखी और मैं खड़ा हो गया था। पीयूष, हम लोग के लिए पीयूष भाई बहुत बड़े बिल्कुल थिएटर में लेजेंड रहे हैं ना, तो उनका फोन आ गया फिल्म देख के कि वो खुद लिखते थे। वाकई तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती। क्या बात। तो मैंने यही कहा इससे कि मैंने किसने लिखी है। मेरे को बड़ा अचरज हुआ था कि यार ये बंदा जो कौन बंदा अनुराग कश्यप, तो मुझे भी नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ी गहरी चीज है। कितना अच्छा बोलते पीयूष भाई, मेरे को अभी भी लगता है मैं गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा हूँ। टाइम इतना मजेदार है ना। अच्छा, हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है, ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई इसका क्या तात्पर्य है? कभी हर 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 फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि सत काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है। दो अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। टू विल बी मोर देन वन। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल सिम्टम होने लगता है साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए अभी तक जेल नहीं गया, मतलब या ये खुद जेल जाएगा या ऐसा कैमरामैन जेल जाएगा या यूनिट वाला को जेल जाएगा, मतलब हमेशा जेल जाने की झड़ी रहती है। तो मुझे बड़ी अजीब सा मेकिंग है यार इसकी, मैं क्या बताऊँ। ऐसे ही पूछो, ये तो तू सुना दे। नहीं नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन ली नहीं। हम लोग ओ जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी, वो इलीगल सैंड माइनिंग के। अच्छा, क्रिएट नहीं गए थे एक्चुअली, में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी। बाप रे, माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो गया, वहां तो विकी कौशल ये यहां पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में, मैं यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास। अच्छा जी, तो मेरे पास फोन आता है कि पीछे आ जाओ। कहाँ? कहने फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने? कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने नहीं, आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ कुर्ता पहन के आना। तो भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो, पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो। मैंने क्यों उतार? तूने कहा था कुर्ता पहन के आना, कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। मैं क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है, कोई मोटिवेशन हो तो मारू, नहीं मैं बाद में इस्तेमाल करूँ। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए कोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर लिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में। हाँ, इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं, बात मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट। हाँ, तो भी तो पता नहीं है मुझे किस बात। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो है मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है सरदार खान होता है, ऐसा होता है, वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे से होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है? कहने लगे रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है आपको ये शूट करना है। हमने कहते ठीक है बढ़िया बात कर लेंगे, कर लिया, बन गई वासेपुर। अच्छा, आप सब पंकज भाई को गौर से देखिए, आज ये किसी किरदार में नहीं है। हाँ। इतना सुंदर कुर्ता है और पंकज भाई एज पंकज भाई बैठे हुए हैं। हाँ। इतने प्यारे इंसान, इतना चमकदार चेहरा, इनको देख के लगता है केक काटने से पहले भी 2 बार सोचते होंगे। और फिल्म में देखो आप, ये कसाई बने हुए हैं, है ना। एक तो इनका स्टाइल इतना नेचुरल है, प्यार से बम मार दो। बम मार दो तो ऐसे बोलते जैसे हम अपने घरों में नहीं बोलते चाय बना दो। भाई सुल्तान का किरदार जब आपको दिया गया, उससे पहले आपने कोई ऐसा मारकाट वाला किरदार तो नहीं किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। अनुराग भाई कैसे आपको दिखा इस चेहरे में, इतनी क्रूरता कैसे दिखी आपको? वो तो इनका टेस्ट देखा था, इनका तो मुकेश ने टेस्ट लिया था। अच्छा, हमारी फिल्म में जो बाकी सारे काफी सारे एक्टर्स
मनोज जी के साथ चिटागोंग करके आ रहे थे, वहां से आए थे बहुत सारे। इनका मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, कोई पाउडर देखा था अतुल का, और वो फिर इनका टेस्ट लिया था और करेक्ट था, लेकिन हमारे पास इनको देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं थी। अच्छा। और ये उस समय काफी सारे शोज कर रहे थे, तो इनको टीवी शो के बीच में से एक एक दो दो दिन के लिए आना पड़ता था। अच्छा। अरे बहुत मुश्किल था, मुझे याद है ना, डेली सोप एक चल रहा था, तो ये आपके चैनल नहीं दूसरे चैनल का था। अच्छा। सीख गए आप भी धीरे धीरे ना। तो मैं चला गया वासेपुर करने, वो ईपी और प्रोड्यूसर बोले कि अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे यार। मैं बोला क्यों नहीं जाने दोगे, मुझे फिल्म मिली है इतनी बड़ी, हालांकि पर डे बहुत कम था, शो में ज्यादा था। ये पर डे पे थे? शो में ज्यादा था। इतने पर डे पे थे, हम तो पर ईयर पे थे। तो मैं बोला यार मुझे जाऊंगा, कश्यप जी की फिल्म है, इतना बड़ा फिल्म है, रोल क्या? बोले रोल तो पता नहीं है मुझे। बोले फिर क्यों जाओगे इधर, तो हमारे वो बेटी की शादी हो रही है, बहू की, और तुमको रुकवाना है, तुम मेन विलेन हो, तो शादी कौन रोकेगा, विलेन नहीं रहेगा सीरियल में। तो मैं बोला मैं जिससे रुकवाना हो रुकवा लूं, मैं नहीं रुकने वाला। तो वासेपुर के चक्कर में उस सीरियल की शादी का सीक्वेंस जो है वो एक हफ्ते आगे बढ़ा, उन्होंने और घुमाया कि जब एक्टर आएगा तब शादी रुकवाएंगे। वाह। अच्छा, हम सबने फिल्म देखी, लेकिन उसके पीछे के जो किस्से सुनने में मजा आता ना, कि उसके पीछे क्या हुआ था। जैसे हमने ऐसा सुना कि जब मनोज भाई को नरेशन देने गए अनुराग भाई, तो ये बोतल लेके गए थे, पता नहीं स्ट्रेटजी क्या थी, कि फिल्म बाद में बनेगी पहले माहौल बना ले, पता नहीं क्या। मनोज भाई ये क्या, ये सच्ची बात है अनुराग सर? नहीं नहीं, हम लोग ने शुरुआत साथ ही की थी, मतलब सत्या शूल कौन, उसके बाद हम लोग अलग अलग रास्ते चले गए थे जी, तो बहुत समय तक हमारी बात नहीं हुई थी आपस में। अच्छा जी। तो ये ना ब्रेकिंग द आइस है, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजू भाई एक स्क्रिप्ट सुनानी है। हाँ बोल। तो उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ सुनने, रेड वाइन है तेरे पास? मैं आजकल सिर्फ रेड वाइन पीता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं मंगा लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आ गए, रेड वाइन आ गई, और उसी समय रात को नरेशन दिया। पहला ड्राफ्ट वही खत्म किया था। मुझे फोन आया था इसका रात को, जो है मैं अनुराग के साथ में रेड वाइन पी रहा हूँ, मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैंने कौन सी, कहने लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैंने कहा स्क्रिप्ट मिल गई, कहने लगा नहीं मिली, मैंने मिलेगी भी नहीं। तो आपको फिर नरेशन मिली मनोज भाई की? नहीं नहीं, वहीं पे वो वासन था, वहाँ पे वासन बाला था। और ये तय था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेरे लिए दिक्कत ये थी कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो उसमें जो है रेड वाइन का टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा बाकी जो है बाद में कर लेते हैं, लेकिन इसको तो करते हैं, अब शुरू करते हैं। क्या बात, माहौल शुरू करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बासन के कहने पे अनुराग को आइडिया आया था कि अरे मैं बाजू भाई से पूछता हूँ। क्या बात है। तो मनोज सर, एक तो वैसे ही बोल रहे हैं कि फिल्म के उस समय, बाद में फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, फिर तो लोग आ ही जाते हैं पैसे लेकर, पर शुरू में पैसे सबको कम मिले थे, ऊपर से आपको गंजा भी कर दिया फिल्म में। नहीं, मुझे पैसे इतने मिल गए थे कि मैं गंजा हो सकता था। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे, गेस्ट हाउस, हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन जब इन लोगों के पास मैं गया, मैंने कहा माहौल तो यहाँ पे है यार, मैं अकेले वहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। हाँ, ये रोज आप हमारे साथ हैंग आउट करने आ जाते थे। तो मैंने कहा यार अनुराग यहीं इधर ही आ जाता हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप आओगे फिर नीचे वो मार्केट में बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, डिस्टर्ब होंगे आप। तो इन लोगों को मैं वहाँ बुला लेता था। अच्छा। फिर माहौल वहीं पे जमाते थे हम लोग। क्या बात जी। खाना खिलाना, बेचारों ने अच्छा खाना नहीं खाया था बहुत दिन से। सच है, ये सच है, मनोज सर ने बहुत खिलाया हमको। पहले पीयूष भाई, हमने सुना है कि आप नासिर का रोल नहीं करना चाहते, पर रमाधीर का रोल करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, इसने कहा था। नहीं, मैंने ऑप्शन दिया दोनों। अच्छा जी। तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप फिल्म का वॉइस चाहिए, नासिर चाहिए। अरे फिर भी क्यों दिए थे तुमने, जब कहा था तो फिर वॉइस चाहिए थी, थोड़ा बहलाना पड़ता। रामाधीर सिंह का रोल टिशू ने किया था, तो मुझे हमेशा लगता था ये बनारस ये शूटिंग करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि जब शूटिंग अभी शुरू ही होती थी तो अपने बॉय को बोलता था, सुन एक काम कर, 4 किलो गोभी ले लेना, 2 किलो आलू और 6 किलो इधर वो साग बहुत अच्छा मिलता है, वो भी पैक करा ले। वो फ्लाइट जब जाएगी उसके पहले वो सब्जियाँ बनारस से लेके आता था। अच्छा। रामाधीर सिंह ग्रेट फूडी, ग्रेट फूडी, जबरदस्त कुक है वो।
तो वो फ्लाइट से जो है मटन खरीद के ले जाया करता था यहाँ बनाने के लिए। तो देखिए कितना फर्क है रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। तो फिल्म में दिखाया गया कि वो लड़की उठा के ले जाते हैं, असल में बेचारे मटर उठा के ला रहे हैं। बहुत बढ़िया, हाँ अच्छे, बहुत बढ़िया। शर्मा जी एक सेकंड, 40,000 रुपए निकालिए। किस बात के? हाथ में बंदूक चाकू वगैरह हो तो इतने पैसे तब मांगते, ऐसे मैं 2 रुपए ना दूं तुम्हें। ये आ जाती यार, घर में इतने कार्टून भरे पड़े, टीवी लाने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे मम्मी पापा को कार्टून बोला? मम्मी पापा सिर्फ तुम ही बोलती हो उनको, बाकी सब कार्टून बोलते हैं उनको। यार तुम एक सेकंड भैया, आप अंदर टीवी लगाइए, मैं पेमेंट करती हूँ। वहाँ तब बड़ा टीवी आया है वहाँ। क्या जरूरत थी घर में इतना बड़ा टीवी लाने की? पुराना टीवी हमारे घर पे जो है एकदम आउटडेटेड हो गया, नई फीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है, नया बड़ा टीवी आया है। ऐसे तो किसी की बीवी के फीचर सही ना हो तो वो फिर ले आए। ये क्या मतलब हुआ? तुमने मुझे टीवी के साथ कंपेयर किया? बिल्कुल नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, टीवी तो रिमोट से बंद हो जाता है, तू पता नहीं कहाँ। नया बड़ा टीवी लाया तो क्या हो गया? अरे देखो इतने बड़े टीवी पे हम गैंग्स ऑफ वसेपुर देखेंगे, मम्मी पापा को कितना मजा आएगा यार, थिएटर वाला फील मिलेगा। एक तो मुझे लोगों की समझ में नहीं आती, घर में इनको थिएटर वाला फील चाहिए, थिएटर में जाते तो कोने वाली सीट लेके इनको घर वाला फील चाहिए। इतना कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने। अरे यार वो बेचारे, देखो इन सबकी बड़ी बड़ी फिल्में आती है, वो टीवी पे फिल्में देखेंगे, उनका दिल लगा रहेगा। अरे दिल लगाने के चक्कर में हम चाइना से आगे निकला है। हाँ दिल ना लगा उनका, 9 बच्चे पहले पैदा किए और दिल लगाना है इनको। माँ बाप आके बैठे हुए हैं साथ में, आ गए थे डोली के, जा ही नहीं रहे। कितनी बार समझाया है, दामाद के घर में माँ बाप इंस्टा स्टोरी की तरह होते हैं, 24 घंटे में गायब, ये जा ही नहीं रहे। यार हुमा ये ना शादी से पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था, ये शादी के बाद से ऐसा हुआ है। शादी के पहले मेरे घर के बाहर ऐसे घूमता रहता था हमेशा। तो तुम लोग रहते ही बस स्टैंड पे थे, अब बंदा बस भी ना पकड़ने जाए। मैं बस भी ना पकड़ने जाऊं? मैं जो तुमको डेली फूल देती थी उसका तुम मुझे अकेले को नहीं देती थी, जो भी सिग्नल पे रुकता था तुम सबको देती थी। पंकज सर से कुछ सीखो, कुछ सीखो उनसे। देखो लड़ाई वाली फिल्मों में भी कितनी शांत रहते हैं। मैंने सीखा है पंकज सर से, देख सीखा है। ओ स्त्री कल आना चलो। मनोज सर से सीखो, उनकी फिल्म शूल में कितना प्यार करते थे वो अपनी बीवी से। शूल 20 साल पहले जो बीवी से, अभी लेटेस्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो 2 शादियां की, वो ना सीखूं मैं उनसे? वो सीखो। देखो ज्यादा उड़ो मत, ओके बीवी मैं ही हूँ, सांप जितना चाहे दुश्मन बन जाए, कंट्रोल हमेशा सपेरे के हाथ में ही होती है। इससे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, शादी से पहले सांप पकड़ने का धंधा था इसका, इसलिए बोल रही है। सुनो आदतें सुधारो अपनी, अपने मम्मी पापा को सुधारो पहले। क्या बेचारों ने, क्यों तुम मम्मी पापा के पीछे पड़े रहते हो? अखबार वाले को पता क्या बोल रही है तुम्हारी मम्मी? क्या कहती है? अखबार मैं डाल दूंगी, तुम मुझे साइकिल पे बिठा के घुमा दो। ये देखो किसी की मम्मी ऐसी होती है। बिंदु, अरे दामाद जी ये क्या, हमें आपके घर आए हुए 1 साल भी ना हुआ और आपने हमें घर से निकालने के लिए गैंग बुला ली। गैंग बुला ली? दामाद जी I'm sorry, आज से हम आपके बेड पे ना सोएंगे, 4-4 घंटे आपके बाथरूम में ना लगाएंगे, और कसम से कह रही हूँ आज के बाद इसके पापा आपके कच्चा बनियान ना पहनेंगे। माफ कर दो, माफ कर दो। मम्मी क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तो कह रही हूँ तू भी माफी मांग ले, कट्टा चलाते वक्त ना ये लोग जेंडर वेंडर ना देखते। मम्मी ये गेस्ट है हमारे। गेस्ट है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे रे अब थोड़ी जान में जान आई। ए जी सुनो, कच्चा उतारने की जरूरत नहीं है, पहने रखो। भगवान देखा हरकत है आपने इनकी। प्रणाम मनोज जी, पता है जैसे आपको इस फिल्म में कपड़े धोते धोते प्यार हुआ था ना,
ठीक ऐसे ही मुझे इसके पापा से प्यार हुआ था। कैसे? अरे वो ऐसे कि मैं तालाब पे कपड़े धोने गई, उधर से इसके डैडी जी तालाब पे नहाने गए, इधर दाग पे से मेरी नजर हटी और इधर इसके पापा से मैं पटी। तो सीधा से बोल देती इतना परफॉर्म करने की क्या जरूरत है, ये फिल्म में नहीं लेंगे इस बरतों की वजह से। मम्मी यार तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मुझे बाद में इनसे सुनना पड़ता है। आहा, सुनना पड़ता है। इसके पैदा होने पे जितना हमें मोहल्ले भर से सुनना पड़ा ना उससे तो कम ही सुनती है तू। एक मिनट इधर हट। हाय मिश्रू जी। मिश्रू जी आ गई आपकी मिश्री जी। मम्मी एक तुम जानती हो इन्हें? जानती हो, अरे कॉलेज में हम दोनों एक साथ घूमा करते थे। अच्छा? हाँ हाँ, इनका वो गाना नहीं सुना तुमने, एक बगल में चांद होगा। कौन है वो चांद? मैं ही तो हूँ फूलमती, है ना? देखा मम्मी, तुमको पता है कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं? ये सीनियर आर्टिस्ट है तो मैं कौन सा कियारा आडवाणी की क्लासमेट हो रही हूँ? बात कर रही है। जैसे अनुराग भाई फिल्म में आप लिखते हैं ना कि करेक्टर में कैसे घुसा जाता है, एक्टर को बताते हैं, ऐसे मेरे को बता दे कि कोई करेक्टर आपके घर में घुस जाए उससे बाहर कैसे निकाला जाता है? ये मेरे को आ जाए ना, इनके मुंह पे स्क्रीन प्ले लिखूं मैं। अरे दामाद जी उसके लिए इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ही बता देती हूँ। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आएगी, खींच खींच के ऐसे कमर पे भैंत मारेगी, बेशरम घर से बाहर निकलते नजर आएंगे। हाँ। वो तुम्हारी बात कर रहे हैं। मेरी? पुलिस बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं दामाद जी, क्या है ना हम तो बिना कहीं अंदर चले जाएंगे। चल बिंदु अंदर चल। भाई आप सब अपने फैंस के लिए जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, हुमा आप तो कितनी बार आई हैं जी, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार हैं। अनुराग भाई मुझे पता है आजकल आप ट्विटर पे कम जाते हो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हुमा ने ये फोटो डाला है, ए लव बर्ड इन मोशन, दरवाजा खोल के आधा चेहरा दिखा रही है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर हुमा। थैंक्स कपिल भैया। इनकी फोटो हटाओ, पीयूष भाई की फोटो हटाओ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सुबह सुबह दूध वाले के लिए सब उतना ही दरवाजा खोलते हैं जितने से दूध की थैली अंदर आ जाए। जब सीसीटीवी ना हो तो अड़ोस पड़ोस में ऐसे ही लाइव देखना पड़ता है। हैं हुमा तुम देखती हो ऐसे? मुकरी भी नहीं थोड़ी देर के लिए, कवर भी नहीं। हाँ आई लव योर ऑनेस्टी। और दिखाइए, एक जागरूक महिला चुपचाप दो पड़ोसियों की लड़ाई देखते हुए। ये पोज नया है या आपका आधा ही मेकअप हुआ था इस वजह से बनाया है? और दिखाइए, अनुराग सर ने फोटो डाला विद माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ओहो इतना बड़ा ग्लास। कमेंट्स देखते हैं नीचे। ये व्हाइट टी शर्ट में जरूर प्रोड्यूसर है, तभी इन्होंने गोद में बिठा रखा है। अनुराग भाई ने बोला था सिर्फ एक ही पैग लूंगा इसलिए इतना बड़ा ग्लास बना लिया। ये कब लिखा है ये कमेंट? अनुराग सर आपने बाजू वाली लड़की को प्लीज बता दीजिए उसका स्ट्रॉ वाला ग्लास हट चुका है, अब खींचना बंद कर दे। व्हाइट टी शर्ट वाले भाई साहब इतनी सेफ्टी रखते हैं, ये कार के बाहर भी सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं। और दिखाइए, मनोज सर ने फोटो डाला है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। मनोज सर इसके पीछे कवि क्या कहना चाहता है, ये कैप्शन कवि का क्या तात्पर्य है? आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। बंदा जब दो भटूरे ज्यादा खा ले तो ऐसे ही टेढ़ा बैठना पड़ता है। वाह इतना कलरफुल कोट, ये शुरू से ही कोट था या पहले पेंटिंग थी? आप सोफे में कंफर्टेबल नहीं हो या पेंट में? और दिखाइए, पंकज भाई ने फोटो डाला है पैकअप बबुलास। टुनिदा है ये, बबुलास बोलते हैं सबको। अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पंकज सर सिर्फ फोटो के लिए आए हैं, वैसे भी अंदर पूड़ियां तल रहे थे।
हम भी मेहमानों के आने पर ही ऐसी प्लेट्स निकालते हैं, वरना स्टील के बर्तन में ही खाते हैं। पंकज भाई ताजे ताजे नहा के बैठे हैं, सर पर टावल बंधा है। रिप्लाई, भाई वो डाइनिंग नैपकिन था, देसी आदमी है, इन्होंने उसे गमछा समझ लिया। अच्छा और दिखाइए, पीयूष सर ने ये फोटो डाला है। सब कुछ कह कर ही सबको बताना जरूरी है क्या? वाह, आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता, यही सोचकर मैंने उसको आई लव यू नहीं बोला। फिर 6 महीने बाद वो बोली, मेरी शादी में जरूर आना, मैंने लिमिटेड लोग ही बुलाए हैं। अपनी मोहब्बत को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने के बाद। और आगे देखिए। अच्छा था। मैं भी जब अपने ससुराल वालों को स्टेशन से पिक करने जाता हूँ तो ऐसे ही उदास हो जाता हूँ। और दिखाइए, हुमा ने ये फोटो डाला है, द आइलैंड लाइफ। देखा, किसी लड़के की फोटो ऐसी नहीं आई कोई बीच के किनारे, पीयूष भाई की रेलवे स्टेशन के बाहर, है ना, पंकज भाई नाश्ता करते हुए। देखो लड़कियों की फोटो अलग, कैप्शन भी अलग। वाओ, आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। जिनको घर में पूल मिलता है उनको सामने भी समंदर मिलता है। हमारा फर्श टूटा हुआ है, हमारी गली भी टूटी है, पिताजी भी गिर गए। और देखते हैं कमेंट्स। ये दोनों पूल के बीच दीवार क्यों है, वही क्वेश्चन आ गया। ये इसने लिखा, ये किसी ने रिप्लाई किया, इधर वाला पूल जलपरियों के लिए, उधर वाला तुम जैसे मगरमच्छों के लिए। कंफर्म ये कपिल ने लिखा है। फिर रिप्लाई है, तुमसे नहीं पूछा है वो बताएगी। उसने वापिस लिखा है, तो सच सुनो, इधर वाला तैरने के लिए, उधर वाला डूब मरने के लिए। प्लीज नोट, तुम्हारा वाला उधर है। बंदा डिटेलिंग वाला है अभी। कितना टाइम है इनके पास। और दिखाइए, अनुराग सर ने फोटो डाला है, सोफा पे लेटे हुए हैं। मी ऑन द सेट ड्रीमिंग ए फिल्म। नीचे कमेंट्स दिखाइए। ऐसे ही लोग होते हैं जो लाइट जला के सो जाते हैं, फिर बोलते हैं बिल ज्यादा आ रहा है। मैं भी ट्रेन में ऐसे ही जूते पहनकर सो जाता हूँ ताकि कोई उठा कर ना ले जाए। किसने रिप्लाई लिखा, वो तेरे जैसे नहीं है, उनका मोजा फटा है। और दिखाइए, ओहो मनोज सर का फोटो, वेयर इज ही, इज दैट हिम और समवन एल्स, जस्ट लिटिल मोर पेशेंस एंड द फेस विल बी सीन क्लियरली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने किसी से उधार लिया था। वो वापस लेने आया है। रिप्लाई, नहीं भाई, लगता है अनुभव सिन्हा इन्हें फिल्म सुनाने आए। ओह, और दिखाइए, पंकज भाई ने फोटो डाला, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी फोटो है, बड़ी प्यारी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर दिवाली की शुभकामनाएं तो मुझे और भी लोगों से मिल गई हैं, आप पैसों से कुछ मदद कर पाते तो मजा आ जाता। आज तो दिवाली का बहाना है, वरना शादीशुदा आदमी तो पूरे साल ही हाथ जोड़ के रहता है। और दिखाइए, पीयूष भाई आपको टैक्सियों से बसों से बहुत प्यार है ना। आइए नीचे और देखते हैं कमेंट। ये गेट पे इसलिए खड़े ताकि कंडक्टर जहां टिकट मांगेगा वहीं उतर जाएंगे। Good one. और रिप्लाई क्या लिखा, मेरे को दिख नहीं रहा। नहीं भाई, यही कंडक्टर है। पीयूष सर उदास है क्योंकि ये जिस लड़की के लिए बस में चढ़े थे वो किसी और के साथ टैक्सी करके चली गई। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए, खत्म। यार ये बड़ा मजा आया। मनोज भाई, हमारे डायरेक्टर साहब की भी फरमाइश थी, अनुकल्प गोस्वामी साहब, अगर आपको वो डायलॉग याद है, हजरात हजरात हजरात, अगर आपको याद है, भाई प्लीज हो जाए। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है।
हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हजरात, सलाम अलैकुम। बाजार, अच्छा जब शुरू हुआ ना कि हजरात हजरात हजरात, तो मुझे लगा जैसे इलाके में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है और उसका चंदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद बमों की बात, क्या बात है मनोज भाई, वाह। अच्छा आप सबको बताया, जो सुल्तान का करेक्टर किया हमारे पंकज भाई ने, कसाई का किरदार, मांस काटने वाला, लेकिन खुद ये प्योर वेजिटेरियन है। पंकज भाई कंफर्टेबल थे आप करने में वो करेक्टर? नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल था, बाप रे बाप, वो रियल जगह था, रियल लोकेशन भी रियल थी, हाँ, इलाहाबाद में, हाँ, इतनी बदबू और बहुत पीड़ादायक था, ये खुद बैठ के बाहर मॉनिटर लेके हमें एक्टरों को घुसा दिया और रवि सर कैमरा लेके भाई साहब ने डायलॉग बोला कबूतर वाला और उसके बाद हम उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर, उल्टी कर कर के सीन हुआ था। अनुराग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आपके साथ सुना रहे थे, वो क्या कहानी है, पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी, तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए, उनके गाने चाहिए थे गुलाल के, इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ, मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए, तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत, तीन और नहीं था, तो बोला हारमोनियम में सुनाइए कुछ, उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। अच्छा, पीयूष भाई बोले यार ये बकवास है, हड़ा चलो यार तुम इनको बाहर जाओ भेजो, दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया वो और खराब था वो। फिर भाई और रख गए, तीसरे वाले ने जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार इधर दो हारमोनियम, और फिर उन्होंने बजाया, मैं पीयूष भाई यही तो चाहिए। But I want to tell you something. वो तो same group के NK शर्मा जो थे। ग्रुप से पीयूष भाई और मनोज सर हैं। इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली अच्छा। में। एक्ट वन ग्रुप। उसकी वजह से तो तुमको एड में लिया था। उसने आते ही NK शर्मा का नाम फेंका। उसने आते ही देखते ही बोला मैं NK शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट वन से। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप। देखो एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। And I'm so proud of you, कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम से कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं। तुमने ऐसे बोल दिया उमा। No, you're looking nice. You're looking nice. Thank you, baby. I know तुम्हारे दिल में कुछ और है। आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वासेपुर को लेके आई हूँ इसकी पिटाई करने के लिए। अनुराग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं नहीं, इस परिवार में एक लड़की है खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं। शादी हो नहीं पा रही। हजरात हजरात हजरात, देखिए देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये दो बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा दो बच्चों के पिताजी में कोई खामी होती है? अरे वो तो छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। हो ही जाते हैं। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं, बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो, कमाल हो, कमाल हो, ये कमाल है कपिल, कमाल। लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई, बोलते हाँ पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया। फिर कहते हैं अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है, ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है, कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है, उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा मुश्किल। बहुत ही कमाल का काम, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन। कि फिल्म तो खराब होनी है,
मूड क्यों खराब करें भाई? कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी करो। हाँ, मूड क्या बात? ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहां पे। मिस्टर उसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहां रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूं। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हां, स्क्रिप्ट जो है मैप है, और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात, या लवली। बट बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं इसीलिए नए लोगों के साथ काम करता हूँ। नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। मुझे याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है, और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, दो रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे हैं, कैसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं, उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और कोई नहीं पूछ रहा मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना। अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है गदौलिया में, हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं, बोले कैमरा किधर, बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आस पास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन, अच्छा। सिंह अपना जेपी और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं, उनको बाजू वाले को पता नहीं कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह, जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो उनका बजट चाहिए किस लिए? फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते तो क्या होगा, अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला, अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है गरीबी आस पास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे, मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो भाई। आपको कि 5 आपको वैन चाहिए दे सकते हो? नहीं। एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग, आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके एंटोराज के लिए एक और वैन चाहिए होती है। वो नहीं, इनके साथ उनमें से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कोई कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा, हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहाँ पे, तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा, तो सारे जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया, हमारे पास। मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this guy. और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ था। आपने नहीं सुना वो किस्सा? नहीं, नहीं सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे। अच्छा जी। और हम लोगों को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे, हम लोग ऐसे भूखे थे। हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई, यहाँ पे इमोशनल हो गए, इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी, तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हमसे रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है, वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने,
फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने? इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है। मुझे क्या कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर कैंकू वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। ओह माय गॉड आइकॉनिक सीन, वो इतना मजेदार सीन। मैंने टू गुड यू नो वो सीन इंप्रोवाइज था। वो इंप्रोवाइज सीन है, उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं। अच्छा, रीमा सेन का तो एस्टैब्लिश एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था, तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, मुकेश ने कहा कपड़े धो कपड़े धो, तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था, फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया। वाह यार क्या बात। अच्छा इनकी दोस्ती तो पुरानी है, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो रामगोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है, पहले आपको काम मिलता है फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है ये? रामगोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है बहुत ही कमाल की घटना। दो इसके पहले सत्या लिखने के लिए दो राइटर आए थे बट रामू को पसंद नहीं आए वो। अच्छा। तो मैं हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे और फिर पता चला कि एक्ट वन में प्लेज वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई, रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ वो वोडका लेके। नाम था भीकू। हाँ भीकू नाम था उसका, भीकू मात्रे वहां से आए। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ और अनुराग जो है थोड़े से एक दो के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा ना मैं आई डोंट लाइक एनी फिल्म ऑफ योर्स। और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं हे भगवान ये सोफा फटे और मैं अंदर धस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था हाँ, वो तो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं नहीं व्हाट ही इज ट्राइंग टू से राम, कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है मैं 21-22 साल का था। तो गाइस इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना, बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी सलवार उतर गई थी चलते हुए शो में। क्या सलवार उतर गई थी?
8th में पढ़ता था, मैडम ने दी थी, इतनी खूबसूरत जो है अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हू डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था, और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी उसकी घेर इतनी थी साली की, उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पिन लगा ली। तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों, मतलब उसे ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कि कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था, अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नॉजटुल भी आ गई, तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा, मैं पड़ा रह गया वहां पर, मैं नहीं उठा। तो उन्होंने सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा। सर कुछ अफवाहें हैं, आपको बताया स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, हम बिलीव नहीं करते। अनुराग भाई आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको डायरेक्शन करने की इतनी आदत है कि अगर आप किसी की बारात में भी जाते हो दोस्त की, तो नाचते नहीं हो, डायरेक्शन देने लगते हो कि घोड़ी इधर से निकालो, दूल्हे का बाप आगे रहेगा, चार बैंड वाले इधर, चार बैंड वाले उधर, सेमिट्री दिखनी चाहिए, ऐसा करते हो आप? शादी अटेंड किए काफी समय हो गया मुझे। अच्छा जी। हाँ लेकिन जनरली एक आदत होती है। फ्रेम क्लीन दिखना चाहिए। मनोज सर गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है आपके करियर की बहुत कमाल की फिल्म है, पर अफवाह ये है कि जब भी वो टीवी पे आ रही होती है आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नहीं मेरी बच्ची तो अभी उस उम्र में ही नहीं है जिसको वो देख पाए। मैं ज़्यादातर फिल्में जो की हैं बच्चे नहीं देख सकते हैं। और कई बार माँ बाप जो हैं फ्लाइट वगैरह में मिल जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है, कोई ऐसी भी फिल्म कीजिए जो पारिवारिक हो। ये शिकायत मेरे माँ बाप की मुझसे। पंकज सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। यस ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना तो मैं बाई रोड गांव चला जाता हूँ। अच्छा बगल में ही था। क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा इस बार भी गया था तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। पीयूष भाई आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतना तेज तेज इसलिए बोलते हो क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर पढ़ते थे। पहले था ऐसा पहले मैं बहुत तेज बोलता था। इसके बाद में नसीर साहब ने एक बार एक बात बोली थी कि हम बीच बीच में एक्टर्स लोग जो है हम जब बोलते हुए सांस लेना भूल जाते हैं, एक ऐसी टेक्निक बतलाई थी उन्होंने, तो उस टेक्निक को मैंने फॉलो किया और आज की तारीख में मेरी स्पीच बहुत 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 धीमी हो गई है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत फख्र है आज की तारीख। क्या बात। हुमा आपके बारे में ये अफवाह है? सच है। गुड वन, कुछ लाया होगा ढूंढ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के शूट में आपने नवाज भाई को इतना डरा दिया था कि वो शूट के टाइम पर अगर वॉशरूम भी जाते थे तो आपसे परमिशन लेके जाते थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म बात। नहीं मतलब एक्चुअली वो जो किस्सा है परमिशन वाला वो नवाज की लाइफ में हो रखा है कि एक लड़की, और हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो बहुत रोते रोते ना वर्कशॉप में बाज दफ़े क्या होता है आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कुछ पर्सनल स्टोरीज निकल के आती हैं, तो नवाज बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक लड़की को मैंने ऐसे हाथ पकड़ा उसे मुझे डांट दिया। तो नवाज तो अनुराग तो लव डिड लाइक ये हम पिक्चर में यूज करेंगे और हंसते हंसते लाइक हाउ इज लाफिंग राइट नाउ लाइक ये पक्का यूज करेंगे। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का दौर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए। शर्मा जी आज आपको जितना बोलना है ना बोलिए। क्यों? आज हम जवाब में ताना नहीं मारेंगे। क्यों? आज हम कह के लेंगे। आज अलग कॉन्फिडेंस में आए हैं हम। शर्मा जी आपको पता है आज कौन सा वार है? शनिवार। गैंग वार। वासेपुर का लोग आया है तो गैंग वार लगता है। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे इतना खुशी हुआ आप लोग आ रहे हैं, हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? क्या लेकर आए? आपको जानकर मजा आएगा।
ठेकुआ ठेकुआ लाए सर ठेकुआ लीजिए गुड़िया ये क्या है ठेकुआ अरे स्क्रिप्ट को थोड़ा साइड में रखिए रुक के जरा खाने तो दीजिए ठेकुआ लीजिए अरे वाह अरे लीजिए 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 क्या बात ठेकुआ ठेकुआ आपको पता है हमारे गांव से कोई शहर में जाता है ट्रेन में टिकटवा हो या ना हो ठेकुआ जरूर होना चाहिए है कि नहीं आपको सच बताना अभी कुछ टाइम पहले हम अपना बकरी को चराने निकले थे अब चलते चलते हम जंगल में चले गए सामने आ गया शेर वो तो ऊपर वाले की दुआ है हमारे पास ठेकुआ था शेर ने ठेकुआ खाया कैसा बात करते हैं कौन सा शेर ठेकुआ खाता है शेर ने बकरी को खाया ठेकुआ हमने खाया तो किसी को खाता हुआ देखते हैं हमको भूख लग जाता है ये जो तू ठेकुआ लेके आई तुझे पता था ये सब लोग आने वाले अरे कैसा नहीं पता था बाहर सारी की सारी गाड़ियों पे गमछे सूख रहे हैं जैसे फिल्मों में कट्टा वट्टा यूज होता है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसका तीसरा पार्ट बन रहा है तो उसमें वो टैंक यूज करने वाले हैं तो तेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं शर्मा जी हमारे भाई ने ठेकुआ ठेकुआ लीजिए लीजिए बहुत अच्छा है मजा आ रहा है ना पीयूष मिश्रा जी आपसे एक बात पूछना था हाँ जी बोलिए आप कभी जाते हैं कोई दुकान होता है हाँ उसका दरवाजा फिर आप पुश करते हैं कि पीयूष करते हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं तो कपड़ा धोने का काम करते हैं वैसे जैसे अपना हुमा जी आपका गाना था ना कि सैया काला रे हमें दे दीजिए रगड़ रगड़ के चमका के वापस देंगे लेकिन आपको क्या बताएं मनोज बाजपेयी जी आप हम तो ऐसे तो हम बहुत बड़े फैन हैं आपके मतलब हम तो हैं ही हमारे दादाजी ओ हो हमारे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे बहुत भले आदमी थे क्या हो गया दादाजी को नहीं कुछ हुआ नहीं जिंदा आदमी का तारीफ करना क्या गलत बात है तो ये क्यों बोला बहुत अच्छे आदमी थे क्यों बोला बहुत अच्छे आदमी थे अब नहीं है अब 80 साल के हो गए हैं बूढ़े आ गए हैं पंकज जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप बहुत प्यारे लग रहे हैं अरे थैंक यू आपका इतना ये आपका ये लुंगी हमारे घर पे छूट गया ये क्या बोल रही है धुलने में लॉन्ड्री धोने में छूट गया धोने के लिए दिया था वो छूट गया था उसका बात कर रहे हैं ये अभी ले लीजिए ऐसा नहीं हम लौटाने का कोशिश नहीं किया कई बार इनके घर पे गए लौटाने के लिए पर ये लुंगी बिना लौटाए हमें लौटना पड़ा क्यों क्यों तो घर पे बाहर बड़ा बड़ा लिखते हैं ओ स्त्री कहलाना इनका दिल तो है ही अच्छा तुम्हें स्त्री तो बोला शर्मा जी अपना जो ऑडियंस है इधर बैठा है ना इसमें लड़का कितना है लड़की कितना है नहीं पता तो थोड़ा देर गिनती करो हम बातें करते हैं वैसा अनुराग जी आप तभी 10 साल पहले वासीपुर आप चालू कर रहे थे उसके पहले आप जो शर्ट दिए थे वो धो दिए हाँ ये आपका तो अब क्यों लाइए 10 साल बाद नहीं ना ऐसा नहीं है कि पहले देने का कोशिश नहीं किया हम गए थे इनके घर पे अब क्या इनके घर के अंदर से गाली गलौज का बहुत आवाज आ रहा था हम एकदम घबरा गए हम डर गए हम अंदर गए नहीं बाद में किसी ने बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है हमारा ना एक बहन भी है रानी नाम है उसका हाँ। वो गांव से आई है अब उसको पता चला आप लोग आए हैं वो बहुत उत्सुक है हाँ। आपसे मिलने के लिए बुला लें अगर आपका इज्जत हो तो बुला ले रानी आ रही है एक मिनट बहुत अच्छा एक्टर है जो आ रहा है ना गौरव दीदी 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 ये तुम्हारी बहन है क्या एम्बुलेंस है दीदी दीदी क्या कर रही है
मेहमान आए हैं, इतना प्यार करती हो, सबसे मिलना चाह रही थी, मिलो सबसे। दीदी हम इनसे कैसे मिले, हमने बड़ी मेहनत से ठेकुआ बनाया था, कोई जाहिल हमारा ठेकुआ ही चुरा लिया। कितना गलत बात है ना सर, आप बताइए कितना गलत बात है, ठेकुआ मेहनत से बनाए, कोई कोई उसको उठा के ले जाए, किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए। दीदी वो कभी खुश नहीं रहेगा, जिंदगी भर सिंगल रहेगा। ठीक है, जो रहेगा रहेगा, लेकिन अब क्या है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अभी क्या। नहीं दीदी, उसको कीड़े पड़ेंगे। बढ़ जाएंगे कीड़े उसको, देखो इतना गुस्सा होने वाला बात नहीं है, ठेकुआ तो था, ठीक है अब चलो आगे बढ़ो, लाइफ को आगे बढ़ाओ। नहीं दीदी, हम उसको बद्दुआ देते हैं, वो साइकिल से चले, उसके ऊपर से बाइक निकल जाए, वो बाइक से चले, उसके ऊपर से कार निकल जाए, वो कार से चले, उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए, वो ट्रक से चले, उसके ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए। इतना बद्दुआ देने का जरूरत नहीं है, ठेकुआ है, ये रहा तुम्हारा ठेकुआ, हम लेकर गए थे। क्या है आप बताइए, जरा सा ठेकुआ के लिए इतना बद्दुआ देता है कोई? यहाँ सारा तुम्हारा ठेकुआ मिल गया, इतना बद्दुआ नहीं देते हैं फालतू। दीदी आपने हमारा ठेकुआ चुराया और हमने आपको इतनी सारी बद्दुआएं दे दी। दीदी कहिए पेंसिल, पेंसिल आपकी सारी बद्दुआएं कैंसिल। दीदी कहिए पेंसिल। लड़की अच्छी है, संस्कारी है, पता है अभी एक्टिंग क्लासेस में जा रही है, सीख रही है थोड़ा थोड़ा, ये जो अपना वो लोगों का आवाज निकालना होता है ना, वो अपना मिमिक्री करती है, ये अलग है, सबका आवाज निकालती है, ये आवाज निकाल के दिखाओ इनको। दीदी किसकी आवाज निकाले? मनोज जी, हाँ मनोज जी का आवाज निकाल दो। दीदी वो भड़क जाएंगे। अरे यहाँ पर एंटरटेन होने आए हैं, मिमिक्री अच्छा लगता है सबको, देख अच्छा लगेगा ना सर? हाँ, देख सकते हैं, देखने को तैयार हैं वो, देखो दिखाओ उनको, आवाज निकालो। दीदी भड़क गए तो? अरे हम एक काम करते हैं, वो गिटार वाले भैया है ना, हम उनकी आवाज निकालेंगे। टैलेंट देखो लड़की में कम नहीं है, हीरो हीरोइन छोड़ के सेलिब्रिटी छोड़ के सेलिब्रिटी का दोस्त का भी आवाज निकाल देते हैं। कमाल है, चलो गिटार वाले भैया का आवाज निकालो। गिटार वाले भैया आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप ठीक हो? देखा दीदी हमने इनकी आवाज निकाल दी, कब से चुपचाप बैठे थे। ये है तुम्हारा मिमिक्री का टैलेंट, ऐसे निकालते हैं आवाज। अरे मिमिक्री वो होता है जिसमें हम किसी का नकल करते हैं। नहीं दीदी, हमारे टीचर ने कहा नकल करना पाप है। अरे यार, अरे स्कूल का टीचर का नहीं, एक्टिंग का टीचर का बात कर रहे हैं, एक्टिंग का टीचर ने सिखाया है ना आवाज निकालना अलग अलग। चलो यहाँ पे अगर इनसे डर लग रहा है, जो यहाँ पे नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, उनका आवाज निकाल दो। निकालेगी आप देखिएगा, मजा आएगा। बाप का, दादा का, भाई का, ये वाला डायलॉग सुनाओ। अच्छा है ये वाला डायलॉग ना, बहुत अच्छा है, फेमस डायलॉग है, सुनाओ, लेकिन उनका आवाज में सुना देना है, ठीक है? सुनाओ, ये सुनाएगी अभी। लेकिन यदि मौत को छुके टक से वापस आ जाए, इसमें ज्यादा मजा है। इसमें ज्यादा मजा है तो ज्यादा मजा वाला सुनाओ, जिसमें मजा नहीं है वो हम क्यों सुनेंगे, हम ज्यादा मजा वाला सुनेंगे ना। जी दीदी, लेकिन लोग पागल इस पे हो जाएंगे जब मैं बोलूंगा जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हम जब तक ना तुमको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, बेकार का बात मत करो, डायलॉग सुनाना है तो सुनाओ, ये अच्छा डायलॉग है, वो अच्छा है, ये बैठा रहे, उससे बैठा रहे, ये सब मत बताओ हमको, तो डायलॉग है वो तो सुनाओ ना उनका आवाज में। बोलो बैठा है। सुना रहे हैं सर, लड़की बुरी नहीं है, सुनाएगी। आप मेरी बहन हो के इतना भड़क रही हैं, सोची वो कितना भड़कते मुझ पे। ठीक है वो बहुत भड़कते, तुम ऐसा करो ना कोई डायलॉग मत सुनाओ। नहीं है सर, मिमिक्री कैंसिल करते हैं आप, इसको नहीं आता है। नहीं दीदी मैं सुना, नहीं नहीं सुनना ही नहीं है दीदी, प्लीज। क्या सुनाओगी ना, इतनी बार से बोल रहे हैं तब तो सुना नहीं रही हो, अब नहीं सुनना, अब उनको ही नहीं सुनना है दीदी, वो मना कर रहे हैं सर, ऐसा कीजिए। हाँ मना कर रहे हैं, नहीं सुनना है दीदी प्लीज। अरे प्लीज प्लीज, क्या होता है, जब कहते तब करना नहीं है, जब नहीं कहते तब करना है, क्या हो तुम? अब चलो इधर खड़ी हो, सुना सुना रही है।
क्या था दीदी? ये मौत को छूके से वापस होने का था। अभी तक मैंने सिर्फ सीखा है, आगे पीछे का बाकी है। ए! हमारे से गलती हुआ कि हम तुमको यहाँ पर लेकर आए। इतना बड़ा बड़ा लोग है, मौका नहीं मिलता है लोगों को इनके सामने खड़े होकर अपना टैलेंट दिखाने का। एक को तुमको मौका दिया, तुमसे हो नहीं रहा है, बेकार में तुमको यहाँ पर लेकर आए। तुम जाओ अंदर। सॉरी दीदी। चलो माफ किया, अभी ज्यादा रोने का जरूरत नहीं। हमको भी बुरा लगता है, दिल से इतना चिल्लाते हैं तुम पे। कोई बात नहीं, देखिए लड़की में टैलेंट है, ऐसा बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, सीखने भी जाते। हाँ सुना हमने। माफ किया तुमको, कह रहे माफ कर दिया। टैलेंट ऐसा बात नहीं, जब सीखने जाते हैं वो जगह गलत अगर सीखा था। हाँ बोला ना, सुन लिया। हाँ हम माफ कर दिया है सर, आप भी माफ किया है। हाँ। आप माफ किया है, सब लोग माफ कर दिया है, माफ किया है, यूनिवर्सली सबने माफ कर दिया है, ठीक है। सॉरी हम सुन लिए हैं। देखिए जहाँ सीखने जाती है अगर वही लोग गलत चीज सिखा दे तो यार रुक जाता है। हम देखते हैं, आप रुक जाइए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को मंच पर बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर वरुण ग्रोवर, स्नेहा खानलकर, आदित्य कुमार, जमील खान, विनीत सिंह, जिशान कादरी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड। वरुण भाई को बहुत कमाल के राइटर हैं, बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैं आपका फैन हूं भाई। और स्नेहा इतना कमाल का म्यूजिक करती हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिशान भाई जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, जोरदार तालियां इनके लिए। जमील भाई हैं बहुत ही उम्दा एक्टर, जोरदार तालियां। आदित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, परपेंडिकुलर। और हमारे विनीत भाई बड़े कमाल के उम्दा एक्टर। अच्छा नवाज भाई अभी आए नहीं, मैंने उनको बुलाया, वो बोलते पहली जगह नहीं, मैं कहाँ हूँ। सो ऐसा है कि अनुराग भाई ने ये फिल्म बनाई दो पार्ट में, तो एपिसोड एक कैसे बन सकता है? सो हम सब मेहमानों के साथ, सारे मेहमान हमारे कल भी मौजूद रहेंगे और हंसी मजाक का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.